गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज हम सब लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन बात करते हैं आज एकोनाइट की। एकोनाइट का पर्सन जो होता है बहुत पैनिक होता है, बेचैन होता है और अपने कष्टों से बहुत डरा हुआ होता है। अगर उसको सिरदर्द है तो वह महसूस करता है कि वह सिरदर्द से मर जाएगा। वह अपने शरीर का थोड़ा भी दर्द या डिस्कम्फर्ट को दर्द से रिलेट करता है, डेथ से रिलेट करता है। तो अपने शरीर का थोड़ा भी दर्द या डिस्कम्फर्ट जो है उसको डेथ से रिलेट करने लगता है। जब भी एकोनाइट का पेशेंट आएगा आप देखोगे क्लिनिक पर, वह क्लिनिक में बहुत एनेक्सियस और डरा हुआ है, स्केयर्ड दिखता है। अपनी समस्याओं को विस्तार से बताता है ताकि डॉक्टर उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें। यानी कि यहाँ रूब्रिक्स लेंगे, कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, अक्सर ये आएगा एकोनाइट केस में, और लाइट डिजायर आप देखेंगे, लाइट डिजायर फॉर, एंड फियर आप डार्क देखेंगे एकोनाइट में, हमेशा ये बात रहेगी। एकोनाइट का दर्द यह है कि वह मरने वाला है। एकोनाइट का जो मेन फीलिंग है दर्द की वो ये है कि वो मरने वाला है, किंतु उसे कोई प्रॉपरली सुन नहीं रहा है, कि उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। ठीक है, यदि वह महसूस करता है कि डॉक्टर उसे सही से नहीं सुन रहा है या उसे इग्नोर कर रहा है, तो ये जो एकोनाइट का पेशेंट होता है वह इरिटेबल हो जाता है। वह सोचता है कि यह उसके लिए डू या डाई सिचुएशन है, पर डॉक्टर उसकी कंप्लेंट को सीरियसली सुन क्यों नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है सीरियसली। ठीक है ना, तो इरिटेबिलिटी उसमें आ जाती है थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में। तो वह क्या करता है, वो अपनी बात को लाउडली रखता है, अपने वह तेज शब्दों के भारीपन से बात करने की कोशिश करता है। वह अपनी समस्याओं की गंभीरता की, उसकी समस्या जो है वो असाध्य है या जानलेवा है, यह समझाने की कोशिश करता है बार बार एकोनाइट का पेशेंट। अगर डॉक्टर उसको अच्छे से कन्विंस कर लेता है, उसको यह विश्वास डॉक्टर दिला देता है एकोनाइट के पेशेंट को, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है और या फिर ये समस्या तुम्हारी आसानी से हल हो जाएगी, तो वह तुरंत अच्छा महसूस करने लगता है। इवन बिटे जेंटल कंसोलेशन, हिज फियर एंड एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस डिसअपीयर्स। थोड़ा सा भी अगर उसको कंसोलेशन मिल जाता है तो उसका जो फियर है, जो एंजाइटी है और जो बेचैनी है वो डिसअपीयर हो जाती है। आप रूब्रिक्स यहाँ ले सकते हैं, अक्सर इसके केस में देखेंगे इरिटेबिलिटी होती है पेन के दौरान, ये रूब्रिक्स ले सकते हैं जो मैंने ऊपर बातें बताई उनसे संदर्भ में, उनसे जुड़ी हुई जो रूब्रिक्स आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, आप एकोनाइट में बहुत ज़्यादा देखोगे इसको। ठीक, एंजाइटी फॉलोड बाई इंडिफरेंस, कभी कभार आपको ऑडेसिटी भी दिखेगी कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, जाना उसको कहीं है। जितनी सिचुएशन उसकी ख़राब दिख रही उस हिसाब से उसे किसी हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, पर वो होम्योपैथिक क्लिनिक पे आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे हम कई मेडिसिन के दर्द को कंपेयर करेंगे वन बाय वन। अब अगर बेलाडोना के दर्द को देखा जाए तो बेलाडोना जब डार्क में रहता है, डार्क में मतलब कि जब इलनेस में रहता है, तब इसको भी लाइट चाहिए होता है, जैसे एकोनाइट को चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले एकोनाइट की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कि लाइट डिजायर फार इसमें भी है, रूब्रिक्स जो है माइंड की, लाइट डिजायर फार इसमें भी है। लेकिन आधारभूत अंतर यह है कि यह बहुत ही अनरिलायबल पर्सन है, कभी इस डॉक्टर के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ, वो जगह जगह अपनी डॉक्टरों को बदलता रहता है। किसी भी डॉक्टर पास जहाँ पर इसको भीड़ कम दिखेगी, जहाँ पर भीड़ कम है, ऐसा कोई डॉक्टर है अगर जहाँ पर भीड़ कम है या कोई नई क्लिनिक है, तो वहाँ पर ये बेलाडोना अपनी हाजिरी दे आएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही केयरफ्री एटीट्यूड होता है बेलाडोना में। जहाँ कहीं भी नई क्लिनिक खुलती है, बेलाडोना मरीज सबसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, वो हमेशा ऐसे डॉक्टर खोज रहता है जो डॉक्टर उसके हिसाब से इलाज करे, जो डॉक्टर वह करे जो वह चाहता है बेलाडोना। ना कोई इसको परहेज फॉलो करना है बेलाडोना को, ना कोई रिस्ट्रिक्शन मानने वाला है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र टाइप का आदमी होता है। यानी कि यहाँ पर रूब्रिक्स होगी अनरिलायबल इन प्रोमिसेज, लाइट डिजायर फार। ठीक है,
एंड अ टेस्ट वांट टू टेस्ट एवरीथिंग, ठीक, गंबलिंग पैशन फार, गंबलिंग ही कर रहा है। बेलाडोना ऑलवेज प्ले ब्लाइंड, हमेशा वो डॉक्टर की क्वालिटी या डिग्री नहीं देखता है, वह दर्द से छुटकारा पाने के लिए किसी भी मेडिसिन को खा सकता है, किसी भी डॉक्टर पास जा सकता है, ठीक है। बेलाडोना के दर्द के पीछे की वजह यह है, हाँ, हर्ब रूब्रिक्स के पीछे, उसके दर्द के पीछे की एक वजह होती है, बेलाडोना के दर्द के पीछे की यह वजह है कि वह जीवन को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा उसे पीड़ा की अवस्था में, एंग्विश की अवस्था में ले जाती है। वो जीवन को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहता है, अगर उसमें कोई भी बाधा आ जाती है तो वह उसको पीड़ा की अवस्था में ले जाती है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से जीवन को जीना चाहता है, ठीक है, आत्मनिर्भर रूप से जीवन को जीना चाहता है बेलाडोना। लेकिन अगर उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा आती है, उसकी आत्मनिर्भरता में कोई प्रॉब्लम आती है जीवन जीने में, ठीक है, तो उसे दर्द होता है। बेलाडोना का पेन इसलिए होता है, बहुत इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग, यानी कि रूब्रिक्स होगी एंग्विश बीपिंग विथ, जितनी भी बातें की हैं उससे संबंधित, अगर रूब्रिक्स आप रिपर्टरी, आप अपनी रिपर्टरी खोल लीजिए ना, आप रडार खोलिए सीधे, खुला ऐसे सुनने में तो मज़ा नहीं आएगा, रडार खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंग्विश बीपिंग विथ फियर अरेस्टेड ऑफ बींग, वो जीवन किसी चीज़ में, किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहता है, पूरी तरह से लाइफ को इन्जॉय करना चाहता है। फियर पैरालिसिस ऑफ, ठीक है, तो ये कुछ रूब्रिक्स है। एकोनाइट एक ही डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसे एश्योरेंस एंड लाइट मिलता है, जहाँ उसे विश्वास मिल जाता है, जहाँ उसे इस बात का भरोसा दिला दिया जाता है बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तो एकोनाइट उस पेशेंट को नहीं छोड़ता है, उस डॉक्टर को नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो बेलाडोना है वो सबसे ज़्यादा अनरिलायबल पेशेंट होता है, ठीक है। और कुछ रेमेडीज के हम अभी दर्द को देखते हैं। जब भी स्ट्रामोनियम के बारे में थोड़ी बात करें, जब भी स्ट्रामोनियम महाराज आपके क्लिनिक में आएंगे तो बहुत डरे हुए रहते हैं, ठीक है, स्ट्रामोनियम महाराज बहुत डरे हुए रहते हैं, लेकिन वह सदैव अपने डर को छुपाते रहते हैं। वो दिखाते हैं कि बीमारी के बारे में चिंतित नहीं है, बहुत ही मतलब वो शो करना चाहते हैं कि बीमारी के बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए रहते हैं, ठीक है। फर्क क्या है एकोनाइट से, ये स्ट्रामोनियम जो है ये अफेक्शनेशन शो करेंगे, अफेक्शनेशन लगाव शो करेंगे, जबकि एकोनाइट अफेक्शनेशन नहीं शो करता है। एक अच्छा ऑब्जर्वर जो होता है, एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो है, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है, बिना कुछ पेशेंट के बोले ही वो बहुत कुछ समझ जाता है। तो एक जो अच्छा ऑब्जर्वर है उसके पास ऑब्जर्वेशन की ये क्वालिटी होती है कि मरीज वास्तव में डरा हुआ है, वो अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वो कैसे छुपा रहा है, उसमें जो डर छुपाने का जो आवरण है वो अफेक्शनेशन को बनाया हुआ है, लगाव को बनाया हुआ है, आते ही अफेक्शनेशन को शो करेगा, ऐसे शो करेगा जैसे वो बहुत ही मतलब आपसे बहुत जुड़ा है, आपको बहुत प्यार करता है, हाल चाल पूछेगा। स्ट्रामोनियम का डर इस तरह होता है, इस कदर होता है कि वो अपने डॉक्टर की भी प्रतीक्षा नहीं करता है, वो अगर उसको दिक्कत ज़्यादा बढ़े तो क्लिनिक के बजाय सीधा हॉस्पिटल, एकोनाइट की तरह नहीं। तो यहाँ पर आप अगर रूब्रिक्स लेते हैं, इसके स्ट्रामोनियम केस में कुछ रूब्रिक्स जो भी बात कर रहे थे, क्लिंगिंग टू पर्सन एंड फर्नीचर ये भी है, और क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन अवेकेंस टेरिफाइड नोज नो वन स्क्रीम एंड क्लिंग्स, तो स्ट्रामोनियम ये है, जो कि स्ट्रामोनियम मरीज बहुत डरा हुआ होता है लेकिन वह अपना डर हमेशा छुपाता है और वो अफेक्शनेट होता है बहुत, इसलिए क्लिंगिंग रूब्रिक्स। यहाँ पे एक बार ये रूब्रिक्स लेकर के देखेंगे तो ये मेडिसिन आएंगे। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस बहुत एकोनाइट के करीब आती है, कई बार तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक बार डॉक्टर से एश्योरेंस यानी कि आश्वासन मिल जाने पर ये भी रिलैक्स महसूस करता है, जिसे एकोनाइट करता है। पर एकोनाइट का मरीज हमेशा एक डॉक्टर निर्भर रहता है, जब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये डॉक्टर हमें को ठीक कर सकता है, उस पर निर्भर रहेगा। फास्फोरस भी एक डॉक्टर निर्भर करता है, लेकिन फास्फोरस थोड़ा सा होशियार होता है, वो अन्य डॉक्टरों से भी इन संदर्भ में बात करता रहता है, अन्य डॉक्टर से भी कन्फर्मेशन करवा लेता है कि जो हमारा डिजीज़ है, जो हमारी समस्या है, क्या वो यही है या फिर कुछ और है। तो यहाँ पर आप रूब्रिक्स देखो, हिपोक्रेसी आएगी बार बार, लाइट डिजायर फॉर
एंजाइटी फॉलोड बाई इंडिफ्रेंस, एडल्ट्रस, फास्फोरस, ये सब होता है। तो फास्फोरस का दर्द इस टाइप का थोड़ा सा होता है, इस बात में ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्णिका की। तो जो अर्णिका है ये बहुत इगोइस्टिक होता है, अपना काम सलफल की तरह खुद से करना चाहता है, उसे हमेशा डर रहता है कि वो किसी पर निर्भर ना हो जाए। मतलब बहुत ही अर्णिका पेशेंट एकदम अलग ही होता है। हर बार प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी थोड़ा सा सीख रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं, कई हमारे गुरुजनों का योगदान है, जिनकी प्रेरणा है, और VHHF की टीम है, डॉक्टर गणेश पांडे सर हैं लवासा होम्योपैथिक क्लिनिक, तो इन लोगों से बहुत प्रेरित होते हैं हम लोग। तो अभी पहले क्या होता था, जैसे चोट लगी कहीं पे, ब्लैकनेस आई, तो सीधा अर्णिका उठा के दे दिए, पर अब अर्णिका समझने की ज़रूरत है। यह बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति होता है, अपना कार्य खुद से करना चाहता है सल्फा की तरह, और इसको हमेशा ये डर होता है कि वो किसी पर निर्भर ना हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता अर्णिका की ये इंडिपेंडेंसी क्यों है। एक्चुअली इसका इसमें इगोटिज्म बहुत होता है, इसमें सेल्फ इस्टीम बहुत होता है। एक अर्णिका जो है वो किसी से भी मदद नहीं चाहता है। यदि किसी व्यक्ति से ने उसकी मदद की और उसको इस बात का याद दिलाया कि मैंने तुम्हारी मदद की है अमुक समय पे, तो वह इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, बीमार हो जाता है। उसका यह दर्द जो उसे इरिटेबल बना देता है। अर्णिका कोई ऑब्लिगेशन पसंद नहीं करता है, वह महसूस करता है कि उसने किसी से मदद पाई है तो उसे जिसने मदद की है उसको बार बार यह याद नहीं दिलाना चाहिए। यह अर्णिका की अपनी थिंकिंग है, ठीक है। इसलिए वह बीमारी महसूस करने के बावजूद, सीख होने के बावजूद, जब भी आप पूछेंगे तो हमेशा कहेगा कि वह ठीक है। मेरे समझ से अर्णिका के दर्द के पीछे की वजह है ये। यदि किसी वो अपनी बीमारी के बारे में किसी से कहता है तो वो डॉक्टर पास उसको ले जाएंगे घर के लोग, लेकिन अर्णिका को किसी का फेवर नहीं चाहिए। उसका इगोटिज्म बहुत हाई है, उसको किसी का फेवर नहीं चाहिए, ठीक है। वो किसी का फेवर चाहता ही नहीं है। वह यह सुनकर हर्ट होना नहीं चाहता कि अमुक व्यक्ति ने उसकी मदद की थी। यही अर्णिका का पेन और इंजरी है, बाइड इफेक्ट ऑफ इंजरी जिसको बोलते हैं। रूब्रिक्स लेंगे, बेल सेज ही इज सिक वेन बेरी टू अवॉइड फेवर हेंस ऑब्लिगेशन फ्रॉम एनवायरमेंट ही सेज सो, ठीक है। फियर हार्ट ऑफ बीइंग, फियर पैरालिसिस ऑफ, ये भी रूब्रिक्स आती है अर्णिका को कवर करते हुए। इरिटेबल पेन ड्यूरिंग, बहुत ढेर सारी रेमेडीज में इरिटेबिलिटी पेन के दौरान। डिलीरियम बेल डिक्लेयर्ड सी इच, डिलीरियम बेल मतलब ठीक है, डिक्लेयर्ड सी इच। फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, अगर वो चाहता है कोई दूसरा उसका कार्य करे, अगर वो अपना काम किसी दूसरे से कराना चाहता है तो अर्णिका, तो वो डिक्टेटोरियल मैनर में उससे बोलेगा यह मेरा काम कर दे, या फिर चापलूसी करेगा या फ्लैटरी करेगा पक्का, पर उसको किसी का फेवर नहीं चाहिए। कहावत है ना, रस्सी जल गई पर ठंड नहीं गया, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर वो चाहता है कोई दूसरे कार्य करे तो वो उनसे डिक्टेटोरियल वेज में या फिर फ्लैटरी के जरिए काम करवा लेता है, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको महसूस होता है कि ही इज सीकिंग ए फेवर। यानी कि अब रूब्रिक्स में आप देखोगे, अगर कहीं रूब्रिक्स ये आती है डिक्टेटोरियल, फ्लैटरिंग, डिफायंट, ऑडासिटी, फ्रीवोलस, सभी अर्णिका में आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। अर्णिका एक अत्यंत इगोइस्टिक एवं डिक्टेटोरियल पर्सन होता है, जो अपने लाइफ को केयरफ्री यानी कि निश्चिंत भाव से जीता है, और खुद को अपने परिवार के बहुत समीप महसूस करता है, कल्पना करता है कि वो अपने परिवार के बहुत करीब है। वो अपने नीड को लेकर अत्यंत डिमांडिंग मैनर में एक्सप्रेस करता है, अपने नीड को एकदम डिमांडिंग मैनर में एक्सप्रेस करता है, पर वो किसी का फेवर नहीं सहन करता है। वह किसी के साथ बंधन ऑब्लिगेशन नहीं चाहता है। जब उससे मदद के लिए पूछा जाए तो वह हमेशा कहता है आई एम फाइन, थैंक यू। तो वह फ्री वोलस होता है, प्री जम्पटूअस होता है, ठीक है।
प्रिगोलस होता है, प्रिजम्पटुअस होता है अन्य का। और कुछ अगर इसमें रूब्रिक्स जोड़ना चाहें तो डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर इन कमांड, फियर अप्रोचिंग अदर ऑफ टच्ड लेस्ट ही बी, इफ एनी वन अप्रोचेज हिम टू टच विथ हिज फेवर्स, तब फियर हर्ट ऑफ बींग, यानी कि ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अंडर ऑब्लिगेशन डेट हर्ट अन्य का। अब आ जाते हैं आर्सेनिक की पेन में। आर्सेनिक का जो आधारभूत आवश्यकता है वो उसकी सोसाइटी में प्रेजेंटेशन है, वो बहुत फास्टिडियस होता है, उसकी फास्टिडियसनेस सराउंडिंग से संबंधित होती है। जैसे कि आर्सेनिक का पेशेंट घर को एकदम साफ सुथरा चाहता है, यदि कोई चीज़ किसी ने अन्य जगह पर रख दी है तो वह इरिटेबल हो जाती है और चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहती है। तो एक इसकी रूब्रिक्स है फास्टिडियसनेस। रेस्ट कैन नॉट, एक और रूब्रिक्स है इसमें लेंगे आप, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। अगर कोई उसके घर आता है तो वह निश्चिंत रहती है, ठीक, वह चिंतित रहती है। अगर कोई उसके घर आया तो वह चिंतित हो जाती है अनिका अक्सर कि आगंतुक उसके बारे में क्या सोचता है। यह आर्सेनिक की मुख्य चिंता रहती है कि जो आने वाला व्यक्ति है उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचता है। आर्सेनिक का भवन जो है, उसका जो हाउस है, वो होम नहीं होता है, घर की तरह नहीं होता है। साफ़ सुथरा तो एकदम चकाचक रहेगा, बहुत ही एकदम बढ़िया से साफ दिखेगा भाई, लेकिन उसमें स्नेह और स्वतंत्रता का, अफेक्शनेशन एंड फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैकेनिकल बहुत कुछ रहेगा यार उसके यहाँ, वहाँ अफेक्शनेशन और फ्रीडम नहीं मिलेगा होम की तरह। हाउस तो है, ठीक है, वह उसे हाउस यानी भवन की तरह रखता है, ठीक है, घर की तरह नहीं, ठीक, उसको घर की तरह नहीं रखता। तो एक मिनट, भवन जो होते हैं वो सभी शो ऑफ के लिए होते हैं और हर किसी को वेल मैनर्ड वे में बैठना होता है उसके घर में, क्योंकि जो सोफा सेट रखे होते हैं अनिका के यहाँ वो प्रदर्शन के लिए होते हैं, न कि कंफर्ट के लिए। यह हाउस एंजॉय के लिए नहीं है, यह उसकी फास्टिडियसनेस होती है अनिका की, समझ रहे हैं। वह खुद को एवं अपनी चीज़ों के प्रति बहुत साफ सुथरा प्रेजेंट करना चाहता है। एक बार ये सब डिस्टर्ब क्या होता है, वह बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है अनिका। वह सामाजिक मानदंडों, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है आर्सेनिक। बहुत ज़्यादा सोशल नॉर्म को लेकर केयरफुल रहता है, कंसर्न्ड रहता है। वह चीज़ों को सही तरीके से प्रॉपर वे में चाहती है, सामाजिक रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, जैसे सामाजिक मान्यताएँ हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को रखना चाहती है। स्वभाव से आर्सेनिक बहुत ज़्यादा इरिटेबल व्यक्ति है, वह अपनी फास्टिडियसनेस को समाज में हर जगह चाहता है। जहाँ नहीं पॉसिबल होता है तो वहाँ भी वह चाहता है, इसलिए आर्सेनिक हमेशा असंतुष्ट रहता है, उसकी इरिटेबिलिटी हमेशा भीतर ही रहती है। जबकि वो सराउंडिंग के प्रति अवेयर व्यक्ति है, लेकिन कहीं भी जाएगा तो इरिटेबल अंदर से हो जाएगा, अंदर से परेशान हो जाएगा, जो उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा फास्टिडियस। उसकी इरिटेबिलिटी सीधा घर पर होती है, समाज में नहीं, क्योंकि वह हमेशा सोचता है कि यदि वह सबके सामने इरिटेबल होगा, सबके सामने ऐसा व्यवहार करेगा तो सब उसको बीमार समझेंगे, इसलिए वो अपने क्रोध को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन घर में उस चीज़ को वो एक्सप्रेस करेगा। तो रूब्रिक्स लेना है इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग हाइडिंग हिमसेल्फ फास्टिडियस, किसी दर्द या कष्ट के दौरान वह इरिटेबल हो जाता है क्योंकि वह ऑन टाइम पर ऑफिस जाना चाहता है, वह एकदम समय पर पहुँचना चाहता है। यद्यपि वह कष्ट झेल रहा है किंतु इस चीज़ को वह ऑफिस में किसी के सामने शो नहीं करेगा। एक बार वह घर पहुंच जाए तो तुरंत ही सब कुछ शो करने लगता है,